आगरा तो लुधियाने दे विच आउंदे पूरे पंजाब च बना के जानू इदां नहीं पूरे पंजाब में नहीं लुधियाना में जो कुछ शहरों में हमने बनाए अमृतसर भी पहले बनाया जल्दी बनाया अमृतसर में प्रकाश सिंह बादल सीएम थे उनसे भी आते नाम लिए हमने अब लेके 2004 से कंटिन्यूस लुधियाना दिल्ली सी रोड में बना रहे हैं हम छोटे छोटे रावण बनाए सी मतलब कि जेडे लोग महल्लियां दे विच इस नूं जलाउणा चाहुंदे ने तां ओह रजा सकदे हुंदे ने छोटे छोटे रावण बनाए सी मतलब कि जेडे लोग महल्लियां दे विच इस नूं जलाउणा चाहुंदे ने तां ओह रजा सकदे हुंदे ने पिछली बार क्या था कि गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं थी बनाने की दशहरा बनाने की तो उन्होंने पीछे पड़े तो गवर्नमेंट ने छोटी छोटे पतलों की मंजूरी दी एक एक की। अच्छी पिछली बार जो रावण बनाया गया उस पटाके पाए गए थे उस वे नहीं नहीं पिछली बार कोई पटाके भी नहीं पाए गए और उसको रिमोट से भी नहीं जलाया गया। इस साल कितना है फिर जो सौ इस बार पटाखे बहुत ज़्यादा पटाखे पाए जाएंगे बहुत और उसको रिमोट से जलाया जाएगा। नाम में आते हो लुधियाना में आते हो लुधियाना वाले जो लोग हैं कितना प्यार देते हैं आपको लुधियाना में या पंजाब में आके और अच्छा काफ़ी लोगों से अच्छा प्यार मिलता है अच्छा सपोर्ट मिलता है कोई यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं करता और पेमेंट में पैसे में काम करते हैं मजदूरी करते हैं पूरी देते हैं जब उनको पता लगता है कि हम एक मुस्लिम हैं और उन हिंदू धर्म का और उनका धर्म का त्यौहार मना रहे हैं उसमें शरीक हो रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं उनको बना के दे रहे हैं तो हमको अप्रिशिएट करते हैं वो लोग खुश होते हैं उससे फिर दुगनी खुशी हमें ही मिलती है। कितनी कॉस्ट आ जाती है अराउंड आपने 2004 में इस तीनों पुतलों की कॉस्ट बनाने की 50-50-60 फुट के तीन पुतले बनाते थे उनकी कॉस्ट करीब 80-90 हज़ार रुपये आती थी आज 3 लाख रुपये कॉस्ट आती है। सत श्री अकाल जी मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स। दशहरा बहुत नज़दीक है पिछले साल लॉकडाउन पीरियड के कारण दशहरा जिहड़ा आ मनाया गया लेकिन बड़ा फिक्का रहा दिवाली भी बहुत फिक्की रही लेकिन इस साल जिहड़ियां जो रिस्ट्रिक्शन जिहड़ियां पहले लगाईआं गईआं सी उन्हां नूं हटाया गया है काफ़ी हद तक जिहड़े आ लोग भी खुश ने। पिछले साल जदों लॉकडाउन सीगा तां उस वेले जदों रावण बनाया गया सी लुधियाने दे विच तां 30 फुट का बनाया गया सी लेकिन इस साल जिहड़ा इस नूं 100 फुट का तैयार किया गया है। साढ़े नाल असगर अली जी मौजूद ने तैयारियां तुसीं देख सकते हो कि ये तैयारियां कीतियां जा रही ने और रौनक देख सकते हो ग्राउंड के झूले लग चुके हैं और रावण जिहड़ा तैयार किया जा रहा है। असगर अली साढ़े नाल मौजूद ने इन्हां नाल गलबात करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो यह जिहड़ा रावण बनाउंदे आ रहे हैं। असगर साहब सब तो पहला दसो कि तुसीं रहण वाले कित्थों दे हो? मैं रहने वाले आगरा के। आगरा तो लुधियाने दे विच आउने पूरे पंजाब च बना के जानू इदां? नहीं पूरे पंजाब में नहीं लुधियाना में जो कुछ शहरों में हमने बनाए अमृतसर भी पहले बनाया जल्दी बनाया अमृतसर में प्रकाश सिंह बादल सीएम थे उनसे भी आते नाम लिए हमने अब लेके 2004 से कंटिन्यूस लुधियाना दिल्ली सी रोड में बना रहे हैं हम और इस शहर में और 5-7 दशहरे जो हमसे काम कराना चाहता है हमें देता है ऑर्डर बनाते हैं। अच्छा ऑर्डर दे कोई भी बना सकता है? हाँ जो ऑर्डर देगा बना देंगे टाइम होगा तो अभी अर्जेंट भी आएगा तो टाइम होगा तो कह देंगे बना देंगे वरना ना बोल देंगे। अच्छा मैं पिछली बार जो आया ना तो उस वे देखा सी तुसीं छोटे छोटे रावण बनाए सीगे छोटे छोटे रावण बनाए सी मतलब कि जेडे लोग महल्लियां दे विच इस नूं जलाउणा चाहुंदे ने तां ओह रजा सकदे हुंदे ने पिछली बार क्या था कि गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं थी बनाने की दशहरा बनाने की तो उन्होंने पीछे पड़े तो गवर्नमेंट ने छोटी छोटे पतलों की मंजूरी दी एक एक की। अच्छा एक एक की मंजूरी छोटे की तो यहाँ भी हमने 30 फुट का बनाया था और लोगों ने जो बनाए थे 10-10 फुट के बनाए थे 10-10 फुट के छोटे तो पिछली बार तो समझ लो कि उन्होंने मतलब एक शगुन पूरा किया था। अच्छा तुम दस दी कि पिछली बार जो रावण अग लगाई गई तो वर्चुअली जो लगाया गया वर्चुअली इसको लगाया इतने भीड़ नहीं इकट्ठी की गई सी लोग जिवें दशहरे ते आउंदे ने उदां नहीं किया गया 30 फुट का बनाया गया। अच्छी पिछली बार जो रावण बनाया गया उस पटाके पाए गए थे उस वे नहीं नहीं पिछली बार कोई पटाके भी नहीं पाए गए और उसको रिमोट से भी नहीं जलाया गया। इस साल कितना है फिर जो 100 फुट इस बार पटाखे बहुत ज़्यादा पटाखे पाए जाएंगे बहुत और उसको रिमोट से जलाया जाएगा रिमोट से जलाएंगे पिछली बार नहीं रिमोट से था नहीं नहीं पिछली बार नहीं था वो बच्चों को बचलू दिखाया था रिमोट से लेकिन पटाखे नहीं पाए थे। अच्छा एक और बात करना चाहता हूँ पंजाब में आते हो लुधियाना में आते हो लुधियाना वाले जो लोग हैं कितना प्यार देते हैं आपको लुधियाना में या पंजाब में आके और हमें अच्छा काफ़ी लोगों से अच्छा प्यार मिलता है अच्छा सपोर्ट मिलता है कोई यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं करता और पेमेंट में पैसे में जो काम करते हैं मजदूरी करते हैं हम पूरी देते हैं पीछे लगा के कोई मतलब घाटा फांसी नहीं करता। अच्छा रावण जिवें तैयार किया जाता तो साडा नाम असगर अली कई सोचते हैं मुस्लिम भाई आ भी उन्होंने मुस्लिम भाई बना रहा है इसको कभी ऐसा तो नहीं किया किसी ने भी हाँ भी ऊंच नीच बोल दी हो कभी नहीं ऐसा यहाँ तक कुछ नहीं किया और लोग उसको हमारे इससे और हम जब उनको पता लगता है कि हम एक मुस्लिम हैं और उन हिंदू धर्म का और उनका धर्म का त्यौहार मना रहे हैं उसमें शरीक हो रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं उनको बना के दे रहे हैं तो हमको अप्रिशिएट करते हैं वो लोग खुश होते हैं उससे फिर दुगनी खुशी हमें ही मिलती है कि चलो इन्होंने हमारी मेहनत को
पे खुशी जाहिर कर रहे हैं तो हमें भी ज़्यादा खुशी मिलती है। भाईचारक साँझ है कि मतलब हाँ भाईचारे का महसूस होता है तो वो लोग उसको बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चलो हिंदू धर्म में भाईचारे के साथ हम काम तो कर रहे हैं। अच्छा कॉस्ट की गल करते कितनी कॉस्ट आ जाती है ऊँ रफली कर गल कर लें तो एग्जैक्ट दसन की लड़ नहीं हैगी। हमेशा तुम बनाने पिछली बार बना क्यों उस पिछली बार 2004 तो बनाते आ रहे हो कितनी कॉस्ट आ जाती है अराउंड जो आपना भी बना 2004 में इस तीनों पुतलों की कॉस्ट बनाने की जो 50-50-60 फुट के तीन पुतले बनाते थे उनकी कॉस्ट करीब 80-90 हज़ार रुपये आती थी, आज 3 लाख रुपये कॉस्ट आती है। महंगाई को जिम्मेदार माने? हाँ महंगाई है काफ़ी, बहुत महंगाई है, महंगाई का जो साथ मजदूर आते मजदूर हर चीज़ मतलब महंगाई पर हर चीज़ पर है, मटेरियल पर है, आने जाने पर है, खाना पीने पर है, मजदूरी पर है, सब्जी पर महंगाई है। अच्छा हुण तुहानू दसना चाहुंदे आ कि इस जगह उत्ते जिहड़ा 100 फुट का जिहड़ा रावण तैयार किया जा रहा है और इस दे विच पटाके लगाए जाणगे जी इस बार? हाँ इस बार लगाए जाएंगे पटाके। अच्छा तुहानू एक कमेटी बुलाउंदी हुंदी है ना उत्थों आगरा तो? हाँ आगरा से कमेटी, जैसे हमारा नंबर इनके पास फ्री है हर बार वही बुलाते हैं, अगर काम इनको पसंद है हमारा हम बढ़िया बनाते हैं तो हमें हमेशा ही बनाते हैं। अब 2004 से कंटिन्यूस में यही ग्राउंड पे आ रहा हूँ। ऐसा पिछली बार आपने छोटे छोटे बनाए थे रावण, अगर बच्चे जिद करते हैं कि हमें छोटा रावण चाहिए तो आप बना के देते हो ऑर्डर? बना के देते, बनाए हुए हैं, जो बच्चे जिद करते हैं ऑर्डर बना के देते हैं, आते हैं कॉलोनी वाले वो बनाते हैं उनका बना के दे रहे हैं। अभी हमने कई रावण यहाँ बनाए हुए हैं, देखो ये छोटा बनाया हुआ है, ये भी छोटा बना रहे हैं, ये 15-15 फीट के, तो सारे रावण 15-15 फीट के बना के देते हैं हम। अच्छा वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए लेकिन पूछना चाहूँगा क्या प्राइस क्या रखते हो आप इसकी? 1000 रुपये पर फीट का प्राइस रखते हैं। पर फीट का 1000 रुपये? 1000 रुपये पर फीट का। और जिसने 3 फुट का बना 3000 आराम से लगे? हाँ जी हाँ जी, 3 फुट नहीं 10 फुट से छोटा बनाते नहीं है हम। अच्छा हाँ 10 फुट का बनना ही बनना है? हाँ 10 का तो बनना ही बनना है। ठीक है बहुत धन्यवाद जी। असगर अली सी तो तस्वीर दोबारा एक बार दिखाने, ये तैयार किए जा रहे हैं जेडे रावण तैयार किए जा रहे हैं और रावण के नाल जड़े है और ये तस्वीर तुहानू दिखाने असी, ये जिन्हें भी तुसी देखे ने सारे ऑर्डर से तैयार किए गए हैं। सो असगर अली जड़े ने लुधियाने के आते हैं आगरा तो आके इतने तैयार करते हैं कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण के पुतलिया। सो वधेरी अपडेट्स जुड़े और द टाइम्स नाल कैमरामैन तो मथौड़ नाम गुरदीप सिंह लम्मे लुधियाना।